नमस्कार दोस्तों, मैं इसके से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही उपयोगी है, खासकर उन बिहारवासी भाइयों के लिए जो बिहार में रहते हैं या जिनका जमीन बिहार में है। मेरा सब्जेक्ट और मेरा वीडियो इसी के बारे में है कि आप कैसे घर बैठे मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से आप अपना जमीन जो कि आपका बिहार में है वो कैसे चेक करेंगे कि मेरे नाम से कितना जमीन है, या मेरे दादाजी या मेरे पूर्वजों के नाम या मेरे पिताजी खरीदा हुआ जो भी जमीन, आप कैसे जानकारी लेंगे। आज मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल बताने जा रहा हूँ, तो आप देखिए। और ये वीडियो पसंद हो तो अपने भाइयों को भी शेयर करें, खास करके लाइक करें, और किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कि स्मार्टफोन के माध्यम से आप घर बैठे किस तरह से आप अपना जमीन को देख पाओ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब अपने स्मार्टफोन पे आ गए हैं, सबसे पहले आप गूगल प्ले में जाएंगे और गूगल प्ले में टाइप करेंगे बिहार लैंड रिकॉर्ड, जैसा कि मैं टाइप करके रखा था। और बिहार लैंड रिकॉर्ड टाइप करने के बाद देखिए आपको ऐप दिखाई देगा बिहार लैंड रिकॉर्ड सर्च, ठीक है। मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं यहां से ओपन करूंगा। आप पहले से इंस्टॉल कर लें और फिर ओपन करें। ओपन करने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद आप के ऐप के बारे में है कि आप क्या लाइक करते हो, इसको ये कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, सर्च योर लैंड पे जाइए। तो मैं जैसा कि मैं सर्च योर लैंड पे क्लिक करूँगा। सर्च ऑफ लैंड पे क्लिक करने के बाद ये देखिए पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट का ये मैप आ गया। और इसे जूम करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा नवादा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो मैं इसमें नवादा क्लिक का, और यदि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है तो आप उस पर जाके आप क्लिक करोगे। मुजफ्फरपुर, नालंदा, बिहार, गया, मुंगेर, जो भी भागलपुर, जो भी हो, खगड़िया, समस्तीपुर, तो आप उसे क्लिक करेंगे। फिर देखिए मेरा ये नवादा डिस्ट्रिक्ट आ गया। अब नवादा डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक किस ब्लॉक में पड़ता है, देखिए मैं रजौली ब्लॉक में, तो ये रजौली ब्लॉक इसमें डाला मैं। और ये देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, और इस तरह दिखने के बाद हम रजौली अनुमंडल में आ गए हैं। और यहाँ से मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले आप देखिए लेफ्ट साइड में कुछ नाम दिखाई दे रहा है, ये देखिए वहाँ से मैं अपना, और आप उसे जूम करके देख सकते हैं, मैं उसमें अपना गांव या मौजा बोलते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसमें आपका दिखाई देगा आपका जो भी गाँव होगा उस ब्लॉक में पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉक तो मैंने पहले ही सेलेक्ट कर चुका हूँ। तो ये देखिए मेरा चितरकोली गांव पड़ता है, तो मैं इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए सर्चिंग हो रहा है। जैसा ये सर्च होगा उसके बाद में आप उस पूरे गांव का या बोला जाए मौजा, देखिए पीला लाइन हाईलाइटेड हो गया है मेरे गांव पे, मतलब कि वो सिलेक्टेड हो गया है। और इस गांव को जो भी जिसका भी रिकॉर्ड चाहिए इसमें दिखाई देगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मौजा के समस्त खातों का नामानुसार देखें, मौजा के समस्त खातों को खेसरा संख्या के अनुसार देखें, खाता संख्या से देखें, खेसरा संख्या से देखें, खाताधारी के नाम से देखें। तो आप जैसे यदि जिसके पर भी क्लिक करना, जैसे मैंने खाताधारी के नाम पर क्लिक किया, जैसे देखिए खाताधारी के नाम से देखें, तो मैं उस पर क्लिक करूँगा। तो क्लिक करने के बाद वो दिखाई देगा, आप उसमें अपना जो भी नाम होगा, जिनके नाम से ज़मीन होगा, आप उसे देखेंगे। ये प्रचार था उसे मैं निगलेक्ट कर दिया। और ये देखिए एक ज़मीन अब सर्च हो रहा है, एक खाताधारी के नाम इसके जो डिसेबल येलो कलर का दिखा हुआ उसमें जाके हम इंटर करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नाम लिखते हो उसे हिंदी चाहिए, तो आप इंग्लिश में नाम लिख के स्पेस बार दबाओगे तो ऑटोमेटिक हिंदी होता है, और कभी कभी नहीं होता है नेटवर्क के कारण। तो चलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ,
खाताधारी के नाम से देखें। देखिए ये आ गया, वो सर्च हो गया। अब देखिए जिसका खाताधारी के नाम से मैं जो किया था क्लिक, उसमें जूम कर लेता हूँ। अब देखिए खाताधारी के नाम से देखें, ये इसमें डॉट किया था। अब इसमें अपना नाम लिखेंगे, जिसका भी नाम है, जैसे मेरी माँ के नाम से कुछ ज़मीन है तो मैंने लिखा उमा देवी, उमा। देखिए यहाँ पर स्पेस देने के बाद हिंदी में हो जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ, तो आप इसे सर्च ना करें। उमा देवी जी, ये सर्च स्पेस करने के बाद इन नहीं हुआ, तो हम यहाँ से नहीं करेंगे। अभी मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, यदि होता है तो ठीक है। यदि यहाँ से खाताधारी के नाम से देखेंगे, यदि वो हिंदी में लिखा जाता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसी का नाम से पूरा देख सकते हैं कि आपके कितना ज़मीन है आपके नाम से, आपके मुआवजा में, तो देख सकते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ, तो मैं वापस, देखिए यहाँ दिखा रहा है कुल खातों की संख्या ज़ीरो दिखा रहा है, बाकी सब तो डिटेल ठीक दिखा रहा है, लेकिन किसी कारण से नहीं दिखा रहा है। तो हम चलेंगे मौजा, मौजा के समझ, सबसे जो ऊपर में डॉट था पहले, आप उसी को डॉट रहने दीजिए, डिफ़ॉल्ट डॉट है। मौजा के समस्त खातों को नामानुसार देखें, यानी उस गाँव के सारे समस्त खातों को नामानुसार देख सकते हैं, यानी गाँव के सभी व्यक्तियों को जिसके नाम से ज़मीन है उसके बारे में पूरा डिटेल होगा। तो मैंने मौजा के समस्त खातों के नामानुसार पर क्लिक कर दिया है, और मैं उसे, अब ये सर्च हो रहा है, सर्च होने के बाद थोड़ा पैसेंस रखिए, लेकिन ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। आप इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, और इसका प्रिंट आउट निकाल के यदि किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप अपने अरे देखिए ये ओपन हो, ये सिलेक्टेड हो गया। अब मैं खाता खोजे, ये मौजा पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए खाता खोजे लिखा हुआ, उस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब फिर देखो ये पूरा अब आ जाएगा, उस गांव का पूरा डिटेल आ जाएगा। देखिए सर्च हो रहा, ये देखिए ये पूरा हमारे गांव में जितने भी आदमी हैं पूरा का नाम आ गया। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए, देखिए मेरे राजकुमार सिंह यहाँ लिखा हुआ, मैं उसको थोड़ा जूम करूँगा, देखिए पूरा दिखा रहा है। ठीक है, पूरा दिखा रहा है। और इसके बाद मेरा, देखिए मेरी मम्मी का नाम उनके नाम से उमा देवी जो होगी, 30 नंबर पे है, राजकुमार सिंह, खाता संख्या 131। देखिए ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ, यहाँ खाता संख्या और खेसरा संख्या। ठीक है, तो फिर मैं नीचे आ रहा हूँ और उसको मैं और डिटेल कर रहा हूँ कि इसे जान 131 में और खेसरा संख्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ, देखिए इस पर क्लिक करें, प्रचार है इसे एडवर्टीज हटा दें। ये देखिए पूरा डिटेल आ गया, अब इसे आप प्रिंट कर सकते हैं।